दोस्तों, भगवान विष्णु और डार्विन की थियोरी ऑफ एवोल्यूशन के बीच एक ऐसा कोइंसिडेंस है जो आपका दिमाग हिला देगा। दोस्तों, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु का पहला अवतार था मत्स्य यानी कि मछली। वहीं डार्विन ने भी तो यही कहा है कि लाइफ का एवोल्यूशन एक्वाटिक एनिमल से ही हुआ है। कूर्म जो कि विष्णु का दूसरा अवतार था वो एक रेप्टाइल था, और थियोरी ऑफ एवोल्यूशन ये कहती है कि एक्वाटिक एनिमल्स रेप्टाइल्स बनने के लिए धीरे धीरे जमीन पर आ रही थी। अब तीसरा अवतार वराह एक शुरुआती मैमल को डिनोट करता है। चौथा अवतार नरसिम्हा आधा इंसान और आधा जानवर था जो एप से ह्यूमन के ट्रांजिशन को दिखाता है। पांचवा अवतार वामन शुरुआती ह्यूमंस को दर्शाता है। छठवा अवतार परशुराम जिनके हाथों में परशु यानी कि एक्स था जो स्टोन एज्ड ह्यूमन से मेल खाता है। सातवें अवतार भगवान श्री राम एक सभ्य समाज के निर्माण को दिखाते हैं। और आठवें अवतार भगवान श्री कृष्ण इंसान में इंटेलिजेंस और वॉरफेयर और मॉडर्न वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स के बारे में बताते हैं। अब ये सारे डिस्क्रिप्शन ठीक वैसे ही है जो चार्ल्स डार्विन ने अपनी थियरी ऑफ एवोल्यूशन में बताया है।